अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम बनाने वाले हैं हमारा ईद स्पेशल शेर खुरमा, और सिंपल रेसिपी है, आसानी से बनती है। एंड बिकॉज़ देखिए हम ईद के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी घी भी तो हम अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ फटाफट कि हम ये शेर खुरमा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 लीटर दूध ले लिया है और मैं इसे बॉईल करने जा रही हूँ। एंड बॉइलिंग के वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल रही हूँ और करीब 5 से 6 आप इसमें इलायची डाल लें। आप इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। एंड वैसे बॉईल करते हुए हम इसमें शक्कर भी डाल देते हैं, हमारी अच्छे दूध में जो है अच्छा सा कलर आ जाए, एक अच्छा मलाई का लेयर भी बन जाए। मैं इसमें 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। अच्छा, मिठास जो है वो अगेन आप डिसाइड करिए। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा सा शुगर कम कर लीजिए, वरना जो है कभी भी आप टेस्ट कर लीजिए जो है मिल्क को, एंड मिल्क को अच्छा रिड्यूस हो जाने दीजिए। अच्छा, जब तक एक तरफ हमारा मिल्क हमारा दूध जो है वो उबल रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हम यहाँ सेवई भूनने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में करीब 6 चम्मच घी ले लिया है, ये देसी घी है, आप देसी घी इस्तेमाल कीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, पर आप चाहें तो बटर ना डालिए, आप सिर्फ घी भी डालकर इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा बटर जो है तेज़ी से इसमें पिघलने लगेगा, हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची की खुशबू जैसे ही उठ जाए आप इसमें बारीक जो सेवैयाँ होती हैं वो इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल बारीक वाली। जैसे आप देख रहे हैं जो सेवई मैंने यूज़ की है वो हल्की सी ऑलरेडी गोल्डन है, वो कम्प्लीटली वाइट नहीं है। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि हम मार्केट से भी ऐसी सेवई लें जो हल्की सी भुनी हुई रहती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई प्रेफर। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए। आप इसे मीडियम फ्लेम पर भूनिए, बहुत लो मत कीजिए, एंड ऑफ कोर्स हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से भूनते रहिए। अब जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा और डार्क गोल्डन कलर हो जाएगा, तब आप इसमें अपने चॉइस के जो है नट्स आप इसमें डाल लीजिए। करीब 3/4 to 1 cup यहाँ पे मैंने मिक्स नट्स लिए हुए थे, इसमें बादाम, पिस्ता, काजू, चारोली। अब नट्स डालने के बाद में जितने हमने नट्स इसमें डाल लिए हैं, अगेन आप इसे अच्छे से भूनिए, मतलब जितने हमने ड्राई फ्रूट्स जितने नट्स हमने यूज़ किए हैं वो भी अच्छा सा भुन जाए, उसमें भी एक हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, एक खुशबू आ जाए उसमें। वैसे इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है, जो हम घी में हमारी सेवैयाँ और नट्स जो हम भूनते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है इसकी। तो अब जैसे आप देख सकते हैं हम नट्स में भी हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो हमने दूध हमने जो तैयार किया हुआ है ना, उबाल के जो अच्छा गाढ़ा कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। सेवैयाँ मैंने आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा दी है, कितनी अच्छी सी ब्राउन सी कलर हो गई है उसका। अब आप इसमें दूध डालना स्टार्ट कीजिए, दूध जो है अच्छा खासा रिड्यूस हो गया, मतलब पाव हिस्सा जो है दूध का हम खत्म जला लेते हैं पका पका के। एंड आप देख सकते हैं उसमें दूध अच्छा थिक हो जाता है, उसमें खुद की मलाई जो है अच्छी आने लगती है। तो अब आप दूध इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, सेमई जो है आप उसे अच्छे से भूनिए। मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। बहुत से लोग जब शेरखुरमा बनाते हैं तो 1 से 2 बार जब वो अपना शेरखुरमा बॉईल करते हैं तो उनकी सेवैयाँ जो है वो बहुत ही सौगी और अजीब सी हो जाती है, पर जब हम सेवैयों को अच्छे से भूनते हैं तो आप 10 बार भी अपने शेरखुरमे को बॉईल कीजिए, उसकी सेवैयाँ जो होती है मतलब वो फूटती नहीं है, वो सौगी नहीं होती है, एंड बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख रहे हैं मैंने जितना दूध मैंने बॉईल किया था मैंने उसे हमारे सेवैयों में ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे, आप चाहे केवड़ा डाल दीजिए चाहे रोज़ वाटर, पर मैं केवड़ा प्रेफर करती हूँ। एंड जो केवड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं करीब 3 से 4 बूंदें ही डाल रही हूँ। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे अच्छे से, एक अच्छा सा जोश इसमें आ जाए, एक 2-3 बार जो है अच्छा बॉईल हो जाएगा ना, तो फिर हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, सेवैयों का कलर, मिल्क का कलर। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बॉईल हो रहा है,
इस स्टेज पर हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा, मतलब एकदम ठंडा मत कीजिए, हल्का हल्का वार्म हो तभी आप इसे सर्व कीजिए। सो अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वरना आप अपकमिंग रेसिपीज़ को मिस कर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं वो कितने अच्छे से बॉयल होने लगा था, उस तरीके से मैंने उसे एक मिनट बॉयल होने दिया और मैंने अब इसे बंद कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे एंड उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। आप ईद का मौका है, आप इस तरीके की सेवई बनाइए एंड इस तरीके का शीरकुरमा इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो वो सबको बहुत बहुत पसंद आएगा, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको भी पसंद आए एंड बहुत सी आपको तारीफ़ें मिले। ईद में आप इंजॉय कीजिए और मुझे याद ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल को एंड मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो रेसिपी ज़रूर सिखाऊँ। मिलते हैं अगली बार, टिल देन अल्लाह हाफिज़।